नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो भाई लोग, जैसा कि मैंने वादा किया था कि एक मेगा क्लास ले आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन होंगे और जो एक टॉपिक पर होगा। तो इंडियन एग्रीकल्चर से ढेर सारे आंकड़े आते हैं, ढेर सारे सवाल बनते हैं, एग्रीकल्चर की टर्मिनोलॉजी भी पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए आंकड़े भी पूछे जाते हैं। तो आज तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मेरे पास है सवालों का पूरा पूरा एक जखीरा जिसमें हम लोग ढेर सारे सवाल करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सवालों की सेंचुरी को पार करेंगे। तो एक वीडियो में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे आंकड़े, सारे तथ्य, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि ये सारे वीडियो जो हम लोगों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे वीडियो एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जहां से आपको बड़े आराम से उपलब्ध हो जाते हैं, आपको इधर उधर प्लेलिस्ट के लिए भटकना नहीं पड़ता। और वो प्लेटफॉर्म है माई पाठशालाधार लर्निंग ऐप। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लासेस नहीं है, बल्कि तमाम क्विज भी फॉर्मेट की गई है। एसएससी सीजल की क्विज है, एसएससी सीजल की जो है हर एग्जाम जितने एसएससी सीजल ने कराए हैं उनके जो है पुराने पेपर हैं क्विज के फॉर्म में, और साथ ही साथ इसके साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम से रिलेटेड मॉडल पेपर और क्विज उपलब्ध हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, और वो है माई पाठशालाधार लर्निंग ऐप। तो जल्दी से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरी पूरी पढ़ाई का पूरा पूरा मजा लीजिएगा। तो बिल्कुल आप सब तैयार हैं, तो जल्दी से अपनी कॉपी और कलम निकालिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, भारतीय कृषि से जुड़ा हुआ ये पहला सवाल प्रकट होने वाला। यह क्वेश्चन है कि यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो, मतलब आपको जो आपके खाद्यान्न उत्पन्न हो रहे, गेहूं चावल वगैरह वगैरह, इनको सुरक्षित तौर पर रखना हो, तो जब खाद्यान्न की कटाई की जाती है उस समय उनकी आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी का रेशियो कितना होना चाहिए, मतलब खाद्यान्न की कटाई के समय उनकी आर्द्रता कितनी होनी चाहिए ताकि वो आने वाले समय के लिए भी सुरक्षित रहे। तो आपको एक आंकड़ा बताते हैं, विश्व खाद्य संगठन, किसके द्वारा? विश्व खाद्य संगठन के द्वारा यह गाइडलाइन जारी की गई है। ठीक, विश्व खाद्य संगठन के द्वारा, और साथ साथ भारतीय खाद्य संगठन के द्वारा भी आंकड़ा है, भारतीय खाद्य संगठन के द्वारा भी ये रेशियो जारी किया गया है कि अगर किसी भी खाद्यान्न की ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर 14% से अधिक है तो वह डस्ट हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएंगे। इसलिए हर हाल में मैक्सिमम 14% ह्यूमिडिटी या आर्द्रता होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए यदि उन्हें संरक्षित रखना है। क्लियर? तो चलते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि सवालों की संख्या ढेर सारी है, तो हम लोग जल्दी जल्दी आज सवालों को निपटाएंगे। दूसरा सवाल है कि ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो पहले से हिंदी में देखते हैं फिर इंग्लिश में देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण, इसलिए जो है मैंने नीचे इंग्लिश के क्वेश्चन भी रखे हुए हैं कि भारत में भूमि उपयोग, भारत की जो टोटल लैंड है, टोटल भूमि है, उसका जो नियरेस्ट निरूपण है इनमें से कौन सा है, मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्र पर एग्रीकल्चर का काम होता है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फॉरेस्ट है और कितने प्रतिशत क्षेत्र पर नेट बुआई होती है। यही आपको आंकड़ा देना है कि टोटल बुआई कितने परसेंट पर होती है, मतलब एग्रीकल्चर कितना होता है, वन कितना है, और एक्स्ट्रा जहां ना बुआई होती है ना जब ना वन है, जैसे आपका थार मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल में ना तो वन है और ना ही बुआई होती है, तो ऐसा क्षेत्र कितना है भारत में, क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपको यह बताना है कि नेट बुआई मतलब एग्रीकल्चर, नेट बुआई का मतलब है एग्रीकल्चर कितना है, और वन का परसेंटेज कितना है भारत में, और अदर सेक्टर कितने हैं। तो 58, 17, 25, 43, 29 और 28, 47, 23 और 30, ये चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं कि नेट बुआई 25%, वन 33% और अदर सेक्टर 42%। तो आपका राइट आंसर है डी। क्या है?
आपके यहां नेट बुआई जो टोटल भारत का क्षेत्रफल है उसका 47% होता है, ठीक 23% से अधिक क्षेत्र पर वन है और 30% क्षेत्र पहाड़ों के रूप में, पठार के रूप में, माइंस के रूप में और डेजर्ट के रूप में है। तो आपके यहां टोटल एग्रीकल्चर का रेशियो लगभग 47% के आसपास है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंकड़ों से भरा हुआ है ये पूरा पूरा सेशन, तो बिल्कुल कॉपी और कलम लेके रखिएगा। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है, मतलब युग्म पैदावार बोथ यहां पर क्या है कि एक साथ क्या करना है इसमें युग्म पैदावार। बहुत से आंकड़े या बहुत से शब्द आते हैं, युग्म पैदावार, मिश्रित कृषि, ये सारे टर्म आते हैं। तो युग्म पैदावार का क्या मतलब है कि विभिन्न मौसमों में दो, युग्म का मतलब है एक से अधिक, युग्म का मतलब है कि कम से कम दो, तो युग्म का मतलब है यहां पर युग्म पैदावार का क्या मतलब है कि विभिन्न मौसमों में दो फसल, एक ही साथ दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताएं यहां पर युग्म पैदावार का मतलब है कि अलग अलग मौसमों में एक ही एग्रीकल्चर ईयर में दो फसल उगाना। क्या है, अलग अलग मौसमों में एक ही एग्रीकल्चर, एक कृषि वर्ष, आपके यहां कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक आपके यहां कृषि वर्ष होता है, इस एग्रीकल्चर ईयर में कम से कम दो फसल का उगाना आपके यहां क्या कहलाता है, युग्म पैदावार कहलाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है। मिक्स्ड फार्मिंग की बात हो रही है, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है, नगदी और खाद्य दोनों सस्यों, सस्य का मतलब है यहां फसल, क्या यहां सस्य का मतलब है कॉर्प से रिलेटेड है, तो मिश्र नगदी और खाद्य दोनों फसलों को साथ साथ उगाना, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और सस्य उत्पादन मतलब कृषि उत्पादन को एक साथ करना या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें मिश्रित खेती का कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एक साथ गेहूं चावल मतलब या गेहूं के साथ कभी कभी हमारे यहां सरसों उगाई जाती है, चना मटर के साथ सरसों उगाई जाती है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनता है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मिश्रित खेती का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पशुपालन के साथ साथ फार्मिंग भी कर रहा है, मतलब सस्य मतलब खाद्य या अनाज उत्पादन कर रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। तो पशुपालन और सस्य उत्पादन अगर ये दोनों हो रहा है तो वो क्या होगा, वो होगा मिश्रित कृषि। ओके, मिक्स्ड फार्मिंग। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसे छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। भाई जो राज्य मैदानी होगा वहां एग्रीकल्चर के लिए क्षेत्र ज्यादा होगा, और जो राज्य पर्वती होगा वहां पर सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। पर्वतों पर खेत कैसे होते हैं, थोड़ा सा काट के बना लिया तो वो सीढ़ीनुमा खेत। तो जहां भी पर्वती, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये गंगा सतलज और सिंधु के दोआब के क्षेत्र में आता है, तो यहां पर जो है मैदान बड़े बड़े हैं, तो इन तीनों में बड़े मैदान मिलेंगे, बड़े फार्म मिलेंगे। और सिक्किम एक पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्यों में खेतों का आकार काफी छोटा होगा। आपको बताएं सिक्किम में 10 से 12% क्षेत्रफल किसके योग्य आता है, ये 10 से 12% भूमि कृषि योग्य है, शेष सब कुछ वहां पर क्या है, जंगल है। भाई जंगल है तो मंगल है, क्योंकि जितने भी पर्वतीय राज्य हैं वहां मिनिमम 66% जंगल होना चाहिए, अन्यथा भारत का ये जंगल वाला इंडेक्स और गड़बड़ा जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो भारतीय कृषि की बड़ी विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, तो आपको यह चेक करना है कि कौन सी विशेषता आपको देखनी है। तो भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है प्रकृति पर अधिक निर्भरता, तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर प्रकृति पर निर्भरता नहीं है तो बेकार है, मतलब तब ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो प्रकृति पर निर्भर है। उत्पादकता का निम्न स्तर, जी हां हमारे यहां हाइब्रिड बीजों का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन अभी भी प्रोडक्टिविटी के मामले में हम अमेरिका जैसे देशों से बहुत पीछे हैं।
फसलों की विविधता, फसलों की विविधता है। हम गेहूं के साथ जो है सरसों का की फसल भी उगाते हैं, लेकिन यहां पर बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है। भारत की कुल जोत में औसत जोत का आकार है 1.06 हेक्टेयर। कितना औसत जोत है ये, और टोटल जो फार्मिंग है आपके यहां उसमें से 64% क्या है, ये सीमांत जोत है। कौन सी जोत है, सीमांत जोत है। 64% जोते जो है एक हेक्टेयर से कम है, और जब भी जोत छोटी होगी तो उत्पादकता प्रभावित होगी। राइट आंसर आपका है फोर्थ, क्लियर, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। यस, अगले सवाल पे चलते हैं, सातवां सवाल। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, भारतीय कृषि की जो उत्पादकता है वो निम्न है, क्या कारण है इसका? आवश्यकता से अधिक लोगों में कृषि कार्यों का लगा रहना। ठीक भाई, उत्पादकता का इन द सेंस होता है कि वहां पर जो एक हेक्टेयर क्षेत्रफल है उसमें कम उत्पादन होना, क्लियर। तो अधिक लोगों का लगा रहने से आय घटेगी, जोत का आकार छोटा होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी और उपरोक्त सभी। तो भाई ये सारी की सारी चीजें उसके लिए लागू होती हैं, क्योंकि कम उत्पादकता का मूल कारण है जोतों का आकार छोटा होना, उत्पादन की तकनीकी का खराब होना। और जो काम एक आदमी कर रहा है उसी काम को एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है, तकनीकी का अभाव रख के ढेर सारे लोग लगे रहते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी से स्थिति बनी रहती है, क्लियर। चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा कि भारत में संकार्य मतलब चालू जो वर्तमान समय में है जोतों का सबसे बड़ा आकार है, मतलब संकार्य का इन द सेंस आप करेंट में प्रेजेंट टाइम की बात हो रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जोत का मतलब एग्रीकल्चर फॉर्म, कृषि के बड़े बड़े खेत हैं या छोटे छोटे खेत है, जोत का मतलब एग्रीकल्चर फॉर्म की बात हो रही है। तो भारत में वर्तमान समय में जोतों का औसत आकार कहां पर सबसे बड़ा है, पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो आपको बताएं, भारत में सबसे बड़ी जोतें राजस्थान में पाई जाती हैं, सेकंड नंबर पर पंजाब का स्थान आता है। तो सबसे बड़ी जोतें क्योंकि वहां पर डेजर्ट एरिया है और इसलिए सबसे बड़ी जोतों की उपलब्धता राजस्थान में बड़ी है, क्लियर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राजस्थान होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत में कृषि को समझा जाता है, क्या समझा जाता है, जीविकोपार्जन का साधन या एक व्यवसाय समझा जाता है, एक व्यापार समझा जाता है या एक उद्योग समझा जाता है? तो भारत की आज भी 52% आबादी कृषि कार्यों में लगी है और यह व्यापार के लिए नहीं लगी है, बल्कि भारत में व्यावसायिक खेती का अभाव है। आज भी भारत की खेती कैसी है, परंपरागत है, और परंपरागत कार्य किसके लिए हो रहा है, जीविकोपार्जन के लिए, जिस ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। खैर चीजें बदल रही हैं, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने व्यापार के तौर पर कृषि का कार्य शुरू किया, मशरूम का उत्पादन, तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आज भी कृषि को जीविकोपार्जन के साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, क्लियर। आते हम लोग अपने अगले सवाल पर, यह रहा आपका दसवां सवाल। तो ये दसवां सवाल कह रहा है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। तो भाई बड़ा बेहतरीन सवाल है, तो थोड़ा सा क्लास को शेयर वेयर करते रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खतरनाक कंटेंट पहुंच सके। तो बिल्कुल, अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर पर। रासायनिक उर्वरक मतलब समझ रहे हैं, डीएपी की बात हो रही है, ठीक, नाइट्रोजन, एनपीके की बात हो रही है, तो ये सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगर होल स्टेट की बात करें तो होल स्टेट में देखें, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश टोटल रासायनिक उर्वरक के मामले में सबसे ऊपर है। यूपी अकेले 4000 टन से अधिक, कितना, 4000 टन से अधिक उर्वरक का प्रयोग करता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश 3000 टन से अधिक उपयोग करता है, आंध्र प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र जो है उर्वरकों का कम उपयोग कर रहा है, लेकिन फिर भी 2500 कितना 2500 टन जो है उर्वरक ये इस्तेमाल करता है।
पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है लगभग 2000 टन उपयोग कर रहा है। हरियाणा की बात करें तो यह 1700 टन के आसपास यह भी उपयोग कर रहा है। क्लियर, तो सारे स्टेट आपको कवर हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन है? यूपी। और अगर सबसे कम की बात करें तो वो राज्य है सिक्किम, क्योंकि सिक्किम पूरी तरह से जैविक उत्पादक राज्य बन चुका है। क्लियर, आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि नई सुधारी गई ऊसर मतलब ऐसी जमीन जो ऊसर के रूप में रही थी, हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। ऊसर को सुधारने के लिए या बंजर जमीन को सुधारने के लिए प्रायः भारत में हरी खादों का, जिप्सम का, चूने का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सी हरी खाद है जो ऊसर सुधार के लिए प्रयोग की जाती है? उनमें से लोबिया है, ढेंचा है, मूंग है या सनई है? तो जो लोग भाई कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे उनको इसका उत्तर पता होगा। एक पेड़ होता है लंबा सा हरे हरा और उसकी जो है बड़ी मुलायम डालियां होती हैं, वो पेड़ है ढेंचा। तो ढेंचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है ऊसर को सुधारने के लिए। क्लियर, हरी खाद जो जमीन से मिट्टी में मिलती है तो उसकी जो ऊसर की ऊसरपन है वो खत्म हो जाता है, उसकी अम्लीयता और क्षारीयता पर दुष्प्रभाव डालती है। तो सबसे परफेक्ट फसल कौन सी है? ढेंचा है। क्लियर, चलें आगे। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल आपका कह रहा है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है। दक्षिण भारत की बात करें तो प्रायद्वीपी भारत की बात हो रही है। तो प्रायद्वीपी भारत में कौन सा क्षेत्र है जिसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर है? केरल का तट है, तमिलनाडु का तट है, तेलंगाना का तट है या विदर्भ में? तो कौन सा एरिया है जहां की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है? यह 12 नंबर क्वेश्चन है। और यहां पर देखें तो तमिलनाडु का जो तट है, तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। कौन सा होगा? तमिलनाडु। अगर इसके बाद की बात करें तो इसके बाद स्थान आता है केरल का। तमिलनाडु दक्षिण भारत में उत्पादकता के मामले में 1 नंबर पर है। क्लियर, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा, पुनर्भरण योग्य भूम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। मतलब भूमि के अंदर जो जल है उसके मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन, मतलब जमीन के अंदर से पानी निकालना, फिर जमीन के अंदर पानी मतलब तालाब इस प्रकार की चीजों के माध्यम से उन्हें फिर से पुनर्व्यवस्थित करना, इस मामले में कौन सा स्टेट नंबर 1 पर है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि पुनर्भरण नलकूपों का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और पुनर्भरण के लिए तालाबों वगैरह की व्यवस्था करके उनके वाटर लेवल को मैनेज करने वाला सबसे बेहतरीन राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जो पुनर्भरण योग्य जल का सबसे अधिक प्रयोग करता है और सबसे अधिक व्यवस्था करता है। अगला सवाल आपका यह रहा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि आप बटाई पर कृषि दें या खेत को लीज पर दें, इस मामले में सबसे ज्यादा आगे कौन सा राज्य है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो बटाई से लेकर के लीज पर खेती को देने वाला सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड बनाने वाला राज्य है पंजाब। पंजाब में लीज पर खेती करने वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक है। कारण, कुछ एक किसानों के पास बहुत खेत है और जो है कुछ एक किसानों के पास खेतों की जो है मात्रा बहुत कम है, तो वो लीज पे लेके या बटाई पे लेकर के या कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर खेती करते हैं, तो इस मामले में पंजाब सबसे अग्रणी है। ओके, आते हैं अपने अगले सवाल पर, 15 नंबर सवाल। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, नाम सबने सुना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस नाम को ना जानता हो। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? तो अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें ये एक, क्या थे ये कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। इनके बारे में थोड़ी सी बात बताना जरूरी है। इन्होंने जो है अमेरिका की नागरिकता रखी अपने पास, मैक्सिको में जन्म पाए, अमेरिका की नागरिकता रखी, और साथ ही साथ इन्होंने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की।
मैक्सिको में शोध किया गेहूं के पौधे पर, हाइब्रिड बीज बनाया और सन 1998 में इन्हें शांति का नोबेल दिया गया। शांति का नोबेल दिया गया इन्हें सन 1998 में। और भारत सरकार ने सन 2008 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया, पद्म विभूषण। 2008 में भारत में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित हैं, ठीक, एक विदेशी के तौर पर। लेकिन रहने वाले कहां के थे, ये रहने वाले थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। ओके, चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक। क्वेश्चन है, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है, वही किसका गहरा संबंध रहा है? स्वामीनाथन साहब का रहा है, वर्गीस कुरियन साहब का रहा है, सुब्रमण्यम साहब का रहा है, या अब्दुल कलाम का रहा है? खैर, रहा तो किसी न किसी रूप में सबका रहा, लेकिन पूछा है कि गहरा संबंध किससे रहा है। जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होगा उसी का संबंध गहरा रहा है। जी हां, डॉक्टर स्वामीनाथन का संबंध गहरा रहा है, क्योंकि ये भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हीं की देन है कि 1966 और 67 से आपके यहां ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, तो भारतीय कृषि से कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का संबंध सबसे ज्यादा निकट का है। ओके, यस, अगले सवाल पे चलते हैं। हरित क्रांति का अभिप्राय क्या है? भाई, आपके यहां ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो इसका लक्ष्य क्या था, या किस मोटिव से हुआ, किस टारगेट को जो है सेंटर में रख के किया गया? हरी खाद का प्रयोग करना है, ठीक, अधिक फसल उगाना है, या उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम था ये, या हरी वनस्पति का प्रयोग करना था? तो हरित क्रांति का जो मूल टारगेट रहा है, जो टारगेट को अचीव करने, भाई टारगेट रहा है कि अधिक फसल उगाना, लेकिन अधिक फसल नहीं, अधिक खाद्यान्न उगाना, क्या रहा है, अधिक खाद्यान्न उगाना टारगेट रहा है। और उसके लिए एक ही व्यवस्था थी कि उच्च वैरायटी के जो है बीजों को यूज किया जाए, जो अच्छी उत्पादकता दे सकते हैं, जिनके अंदर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। तो बेसिकली हरित क्रांति का अभिप्राय उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम से है। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल पर। हरित क्रांति का अभिप्राय, सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, तो इसका भी आंसर सी ही होगा, उच्च वैरायटी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है स्लाइड कटने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? बिल्कुल, कौन सी वो फसल थी जिसमें सबसे अधिक लाभ हुआ? वैसे फसल तो दो रही जो लाभान्वित रही, एक उसमें चावल की फसल भी है। क्लियर, तो यहां चाव लिखा हुआ है थोड़ा सा, हाँ, चाव एक फसल होती है, ज्वार मक्का, ठीक, ज्वार मक्का, या इसे चावल कह लीजिए, यहां राइस कर लीजिएगा, चावल गेहूं, कौन सी फसल रही है जो सबसे ज्यादा, जिसके उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ा, इंक्रीज हुआ है, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है, मतलब उत्पादन भी और उत्पादकता भी, तो वो फसल रही है गेहूं, ठीक। और इससे प्रभावित जो क्षेत्र रहा है वो रहा है पंजाब, ठीक, पंजाब सबसे अधिक। प्लस सेकंड नंबर पर अगर प्रभाव की बात करें तो हरियाणा है, और तीसरे नंबर पर आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी लाभान्वित रहा है काफी। तो सबसे नंबर एक पर, फर्स्ट पर गेहूं है, और चावल की बात करें तो चावल सेकंड नंबर पे है। क्लियर, तो सबसे अधिक लाभ मिला किसे, गेहूं को। ओके, चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? मैंने भाई देखिए, चार वैरायटी है, जोपनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं, ये चार विकल्प है, जापानिका चावल, इंडियन राइस, या एमर वीट, या मैक्सिकन वीट। थोड़ा इंग्लिश में भी देख लीजिए, जापानिका, इंडियन, एमर या मैक्सिकन। तो आपकी हरित, भारत में जो हरित क्रांति हुई या विश्व में भी जो हरित क्रांति हुई, दोनों हरित क्रांतियों में जो गेहूं प्रयोग किया गया है वो किया गया है मैक्सिकन गेहूं। कौन सा गेहूं? मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग किया गया है बीजों के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। क्लियर, ये रहा आपका अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था, मतलब गेहूं कितने, कितनी उसकी उत्पादकता थी, ठीक, प्रति एकड़,
एक एकड़ खेत में कितना गेहूं पैदा होना शुरू हुआ? 1500 की ग्रा, 2000 की ग्रा, 2222 की ग्रा या 3000 की ग्रा? तो इसने रिकॉर्ड उत्पादन किया और वो रिकॉर्ड है 2000 की ग्रा। कितना प्रति एकड़ उत्पादकता आपकी बढ़ करके हो गई 2 क्विंटल। क्लियर, 2000 की ग्रा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, यह घटना सन 2008 की है, ठीक, और यह कॉन्सेप्ट दिया मिस्टर आपके पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। तो इनका मानना था कि पहली हरित क्रांति हो चुकी है और दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है, और जब नई एग्रीकल्चर पॉलिसी बनी 2008 में तो इसमें इसे मेंशन किया गया कि हरित क्रांति में जो फसलें लाभान्वित हुई हैं वो तो हुई हैं, साथ साथ तमाम और रिवोल्यूशन हुए, पीली क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति, तो उन सारे रेवोल्यूशन को एक साथ इकट्ठा करके और उन क्षेत्रों को जहां पर अभी ग्रीन रेवोल्यूशन का या किसी भी रेवोल्यूशन का प्रभाव नहीं पहुंचा है, उन क्षेत्रों को भी टारगेट करके एक मिलीजुली क्रांति चलाई जाए, जिसे इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। तो यह प्रोजेक्ट आया सन 2008 की एग्रीकल्चर पॉलिसी में और इसमें इन सभी क्रांतियों को सम्मिलित करके आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध इन सभी क्रांतियों से है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, गुलाबी क्रांति संबंधित है। हां भाई, बड़ी क्रांतियां भारत में हुई हैं, उनमें एक क्रांति है गुलाबी क्रांति। तो कपास से है, लहसुन से है, अंगूर से है या प्याज से है? तो कपास के लिए तो आपने बीटी क्रांति पढ़ी होगी, लहसुन और अंगूर से संबंधित कोई क्रांति नहीं है, कल्चर है। और अब बची बात प्याज की, तो भाई प्याज भी गुलाबी रंग की होती है। जी हां, गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? प्याज उत्पादन से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, नीली क्रांति संबंधित है कृषि से, लौह इस्पात उद्योग से, सिंचाई से या मत्स्य पालन से? तो भाई नीले रंग का तो पानी होता है और पानी में जो पैदा होगा उसी का संबंध होगा। जी हां, मत्स्य पालन से संबंधित है आपकी जो है ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति, आप कह सकते हैं। बिल्कुल, नीली क्रांति का संबंध आपके जो है मत्स्य उत्पादन से। अगला, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो आपको बता दें, आपके यहां फसल चक्र 3 अपनाया गया है, एक है रबी की फसल, एक है खरीफ की फसल और एक है जायद की फसल, ठीक। तो क्वेश्चन में रबी की फसल की बात हो रही है, रबी के फसल की बुआई कब होती है, यह क्वेश्चन नंबर 25 है। तो आपको बताएं, रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक, बुआई होती है। अब बुआई अगर अक्टूबर नवंबर में है तो कटेगी कब? यह कटती है मार्च अप्रैल में। कटाई कब होगी? कटाई इसकी होती है मार्च अप्रैल में, और मार्च अप्रैल के बाद मार्च से मई तक ये जो सीजन होता है ये होता है जायद की फसल का। क्लियर, और जून जुलाई में आपके खरीफ की फसल बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी। क्लियर, तो आपकी रबी की फसल जिसमें गेहूं वगैरह शामिल है, गेहूं के साथ बोई जाने वाली सारी फसलें, वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? रबी की फसल मैंने बताया कि गेहूं, अब गेहूं के साथ चना, मटर, सरसों, ये सारी भी चीजें, मतलब दलहन और तिलहन दोनों रबी में शामिल हो जाती हैं काफी हद तक। तो इनमें से पूछा है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मक्का, धान और मसूर। तो आपको बताएं, मसूर आपकी ये बेसिकली या तो जायद में उगा ली जाती है और या फिर ये किस में उगाई जाती है? रबी में उत्पादित कर दी जाती है। क्लियर, तो बेसिकली मसूर आपकी खरीफ की फसल नहीं है। मूंगफली, मक्का और धान ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी खरीफ की फसलें। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? फिर वही रबी खरीफ का लफड़ा, तो चलिए देख लेते हैं। रबी में आपने देखा
कि गेहूं के साथ बोई जाने वाली खरीफ फसलें चना मटर, ठीक। अब चना मटर के साथ आपकी गाजर मूली और सरसों ये भी उगाई जाती है, लेकिन भिंडी जो है ये नहीं उगाई जाती। भिंडी आपके जायद के मौसम में उगाई जाती है, जब आपकी गर्मी शुरू होती है मार्च अप्रैल के बाद, मार्च अप्रैल मई जून में ये भिंडी आपको बाजार में उपलब्ध मिलती है। तो भिंडी बेसिकली जायद की फसल है, ये रबी की फसल नहीं है। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा इनमें से कौन खरीफ की नहीं है, तो रबी खरीफ में फिर देख लेते हैं। धान मक्का और ज्वार, धान के साथ साथ धान मक्का और ज्वार एक ही सीजन में उगाया जाता है। चना एक दलहन फसल है जो गेहूं के साथ बोई जाती है, तो इसमें खरीफ की फसल चना नहीं होगी, चना आपकी रबी की फसल है। अगले सवाल पे, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। जी हां, नगदी फसल का मतलब क्या है कि जिस फसल को खड़े खड़े खेत से बेच दिया जाए उसे आप कहते हैं नगदी फसल। तो गन्ना कपास जूट और गेहूं की बात करें तो गेहूं की स्थिति क्या होगी, गेहूं आपका नगदी फसल नहीं है, गेहूं नगदी फसल नहीं है। गन्ना कपास जूट अफीम चाय इन बांस ये सारी कैसी फसलें हैं, नगदी फसल है। क्लियर, जो खेत से ही आपको कैश दे देती हैं। आते हम लोग अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्न में से कौन सा, ये क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा क्रम तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है। क्लियर, ये है आपका क्वेश्चन। तो उत्तर देखिए आप कि इसमें सही आंसर क्या होगा। तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों को के बारे में आपको बताना है। पढ़ लिया होगा सबने सारा ये क्वेश्चन कि हमें क्या बताना है, तीन बड़े। तो सबसे बड़े की सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है यूपी में, यूपी के बाद दूसरा नंबर आता है पंजाब का, दूसरे नंबर पर कौन है पंजाब, और तीसरे नंबर पर कौन है हरियाणा। अगर इन तीन राज्यों को क्रम से मिलाएं तो आपका सी ऑप्शन राइट है, ये उत्पाद राज्य गेहूं उत्पादन के मामले में प्रथम तीन उत्पादक राज्य हैं। सबसे अधिक गेहूं, सबसे अधिक खाद्यान्न, सबसे अधिक आलू, सबसे अधिक गन्ना यूपी में पैदा होता है। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल पर। यस, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 31 है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। लीजिए भाई आई गया सवाल, तो आपको बताएं गेहूं के साथ साथ गन्ना, इसके बाद और ऐड करना चाहें तो आलू, किसका, आलू के उत्पादन में भी भारत में नंबर एक पर है, और चीनी भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चीनी में भी उत्तर प्रदेश का नंबर एक स्थान है। तो गेहूं गन्ना आलू, और अगर आपसे पूछता है कुल खाद्यान्न की बात करें तो कुल खाद्यान्न के मामले में भी उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। ओके, तो ये लेंगे सवाल पर। तो भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान गेहूं गन्ना आलू के साथ साथ टोटल खाद्यान्न में भी। अगला सवाल, मैक्रोनी गेहूं, भाई ये भी एक स्पेशल गेहूं है, सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है। मैक्रोनी गेहूं की एक प्रजाति है जो, देखिए हमारे यहां गेहूं की जो व्यवस्था है और चावल की व्यवस्था है उत्पादन की, ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्म के बीज डेवलप किए गए। जैसे पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में पूरे वर्ष भर चावल की खेती होती है, चावल की दो दो नहीं तीन तीन फसलें उगाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश की भी स्थिति कुछ ऐसी है, तमिलनाडु की स्थिति भी कुछ ऐसी है, कुछ क्षेत्रों में दो दो तीन तीन फसलें चावल की वर्ष भर में काटी जाती हैं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश की बात करें या मैदानी बेल्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा इस बेल्ट में जो फसल चक्र है वो गेहूं और चावल दोनों का है। क्लियर, तो गेहूं चावल दोनों, हम उत्तर प्रदेश में मक्के की भी फसल बीच में लेते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो इसमें मैक्रोनी गेहूं उगाने के लिए सबसे बेहतर परिस्थिति क्या है कि अत्यंत सिंचित परिस्थिति के लिए है ये मैक्रोनी गेहूं, ज्यादा सिंचाई वाली जमीन के लिए है, विलंब से बुआई के लिए है, मतलब बहुत से क्षेत्रों में जहां तीन क्रॉप लिए जा रहे हैं साल भर के अंदर वहां गेहूं की फसल लेट बोई जाती है, ठीक, आलू की खुदाई के बाद। असिंचित परिस्थितियों के लिए, बहुत से ऐसे क्षेत्र है, बुंदेलखंड वगैरह का क्षेत्र है, वहां पर पानी भी कम उपलब्ध होता है और बरसात भी कम होती है, तो असिंचित परिस्थितियों के लिए या इनमें से कोई नहीं 32 नंबर क्वेश्चन है, तो मैक्रोनी गेहूं
असिंचित परिस्थितियों के लिए डेवलप किया गया है। इस गेहूं के उत्पादन में उतने जल की आवश्यकता नहीं होती जितना कि एक नॉर्मल गेहूं के लिए है। तो मैक्रोनी गेहूं का विकास इसलिए किया गया है कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता कम है, कम सिंचाई के साधन उपलब्ध है, वहां पर मैक्रोनी गेहूं उत्पादन किया जा सकता है। लाल रंग का गेहूं होता है ये थोड़ा सा। यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो गेहूं में लाल, पीला, हरा कई प्रकार का रोग लगता है, ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट और रस्ट। क्लियर? तो अगर आप गेहूं के बात करें तो गेहूं में लाल, पीला और भूरा ये तीन प्रकार के रस्ट लगते हैं। क्या? ये तीन प्रकार के रस्ट होते हैं, लाल, पीला और भूरा। तो गेहूं का रोग है रस्ट, लाल रस्ट, पीला रस्ट या भूरा रस्ट। क्लियर? तो गेहूं का रोग है रस्ट। बहुत बार बार ये सवाल पूछा जाता है। कल्याण सोना एक किस्म है, कल्याण सोना एक फसल की वैरायटीज है। तो जैसे आपने देखा था मैक्रोनी, उसी तरह कल्याण सोना भी एक वैरायटी है। ये चावल की है, मक्का की है, गेहूं की है या ज्वार की है? ये क्वेश्चन कभी कभी आते हैं ना तो आंतों को हिला देते हैं, कलेजा और मस्तिष्क नहीं अथड़िया हिल जाती हैं कि भगवान ये कहां से टपक गया। तो जो लड़के थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके पास अक्सर इनका जवाब होता है, क्योंकि वो बीज वगैरह खरीद के लाते हैं अपने खेतों में बोने के लिए। तो कल्याण सोना गेहूं की एक प्रसिद्ध फसल है जो पैदावार के मामले में सबसे उत्तम मानी जाती है। सबसे उत्तम पैदावार के मामले में कल्याण सोना का नाम आता है। तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि आपको देखने में दिक्कत होगी, तो मैं पहले हिंदी में इसे बड़ा कर देता हूं, क्वेश्चन भी रहेगा इंग्लिश में, विकल्प हिंदी में मिल जाएगा आपको। क्लियर? यस। ये क्वेश्चन है आपका कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? चावल की खेती, भाई चावल की खेती के लिए कंफर्म है कि पानी तो जम के चाहिए, बरसात अच्छी मात्रा में हो या एरिया सिंचित हो, किसी भी प्रकार से बरसात से हो या नदियों के जल से हो, किसी भी प्रकार से सिंचित क्षेत्र हो, मतलब कम से कम 100 सेंटीमीटर से ऊपर अधिक वर्षा होनी चाहिए। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पहले विकल्प में भी है, 25 सेंटीग्रेड से अधिक ऊपर ताप, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो 25 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर। अगला है फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, ऐसा नहीं है, अगर ठंडी ही जलवायु रहेगी तो यह धान की फसल पकेगी कैसे? इसके लिए इसे बोते समय ही जो है, काटते समय तो ठंडी जलवायु रहती है, लेकिन जब धान की बुआई की जाती है या रोपाई की जाती है तो उस समय गर्म जलवायु होती है। क्लियर? 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 25 सेंटीग्रेड से कम तापमान। भाई 100 सेंटीग्रेड से कम वर्षा होगी तो धान की फसल जो है होना संभव नहीं है। तो इस तीन विकल्पों में कंफर्म हुआ, चौथा विकल्प देख लेते हैं कि पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म कुछ शुष्क जलवायु। जलवायु तो ठीक है लेकिन बरसात यहां नदारद है, जलवायु से ही पैदा नहीं होगी चावल की फसल, चावल की फसल के लिए बरसात का होना भी बहुत जरूरी है। तो आपको 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर चाहिए, यह होगा चावल के लिए बेहतर एनवायरमेंट या बेहतर जलवायु। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? फिर आ गया रबी खरीफ। बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है फसलों के बारे में, तो एक लिस्ट भी हम देंगे आपको इस लेक्चर के लास्ट में कि कौन कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम अभी तो सिर्फ 36 सवाल तक पहुंचे हैं। आज के वीडियो में 100 क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर का एक भी सेक्शन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बना हुआ सवाल हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? मशहूर, अलसी, सरसों या सोयाबीन। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो मसूर, अलसी और सरसों ये तीनों लगभग एक साथ बोई जाती है। क्लियर? अलसी और मसूर ये दलहन की फसलें हैं, अलसी तिलहन की फसल है, सरसों भी तिलहन की फसल है और मसूर दलहन की। तो दलहन और तिलहन की फसलें लगभग एक साथ बोई जाती हैं, सारी की सारी नहीं लेकिन लगभग एक साथ बोई जाती हैं। और सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कि आपके खरीफ की मौसम की है।
क्लियर। कौन सी? सोयाबीन। सोयाबीन खरीफ की है, शेष तीनों फसलें रबी की हैं। ओके, तो सोयाबीन, तंबाकू और आपका ये मूंगफली, ये बार बार पूछा जाता है तो जान लीजिए, सोयाबीन, तंबाकू, मूंगफली, कपास, जूट, सनई, ये सारी फसलें कैसी हैं? खरीफ की हैं। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? मतलब हम, आप या भारत के सारे लोग क्या ज्यादा खाते हैं? भाई क्या ज्यादा खाते हो बता दो। गेहूं ज्यादा खाते हो, चावल ज्यादा खाते हो, मक्का ज्यादा खाते हो या दालें ज्यादा खाते हो? तो आपको बताएं, भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली फसल है चावल। ठीक, चावल खाने वाले लोगों की संख्या और चावल का उत्पादन भी, संख्या ही नहीं उत्पादन भी, भारत में सबसे अधिक है। कुल खाद्यान्न में सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर चावल बोया जाता है और सबसे ज्यादा भारत में खाया भी जाता है। क्लियर। और अगर कृषि निर्यात की बात करें तो चावल निर्यात के मामले में भी दूसरे स्थान पर है कृषि उत्पादों में। ओके, और टोटल अगर सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ही बात करें तो आपका जो बासमती चावल है ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कैटेगराइज तौर पर। तो आपकी सबसे प्रमुख फसल है चावल। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र की बात हो रही है, यहां उत्पादकता या उत्पादन की बात नहीं हो रही है, कि भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है? तो आपको बताएं, लगभग 13% जमीन, कितनी? 13.53% जमीन, जो भारत की कुल 100% जमीन है उनमें से 13% जमीन अकेले उत्तर प्रदेश के पास है जो चावल की खेती करता है। तो यूपी नंबर एक पर है। अब देख लेते हैं, बंगाल सेकंड नंबर पर है और आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पर है। बात हो रही है उत्पादन या उत्पादकता की, नहीं कृषि के लिए बोए गए क्षेत्रफल की। तो कृषि क्षेत्र के नाम पर यूपी के पास चावल उगाने के लिए क्षेत्रफल लंबा है। ओके, गंगा नदी का मैदान चावल के लिए और तराई का क्षेत्र, ये दोनों चावल के लिए बेहतर है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। जी हां, भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या सिंधु गंगा का मैदान? तो आपको पता होगा कि चावल का कटोरा उसी क्षेत्र को कहा जाएगा जहां सघन चावल उत्पादक क्षेत्र हो, और वो है आपका कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। ओके, आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो भैया इसमें तीन मुझे दिखाई दे रही है, वो तीन कौन कौन सी है वो आपको पता करना है। तो हंसा, जया और पद्मा ये चावल की फसलें हैं, ज्वाला चावल की फसल नहीं है, ये एक सरसों की फसल है। क्लियर। तो हंसा, जया और पद्मा ये तीनों चावल की किस्में हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन धान उगाया जाता है। अमन एक प्रकार की धान की विशेष प्रजाति है जो उगाया जाता है। अब यह किस प्रकार की प्रजाति है? अगर अप्रैल मई में उगाया जाता है तो एक लंबा ड्यूरेशन लेगा, जून जुलाई में उगाया जाता है तो औसत ड्यूरेशन लेता है, और नवंबर दिसंबर में अगर उगाया जा रहा है तो बहुत छोटे समय की फसल है ये। तो आपको डिसाइड करना है कि ये फसल कैसी है। 41 नंबर क्वेश्चन है। बेसिकली यह पैदा होता है नवंबर और दिसंबर में। कब पैदा होता है? नवंबर और दिसंबर में, लेकिन इसके बोने की अवधि होती है जुलाई। तो एक औसत ड्यूरेशन की यह फसल है जो नवंबर दिसंबर में पैदा होती है, बोई जाती है जून और जुलाई में। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। भाई नाम ही ऐसा है, पूसा सुगंधा। ठीक, तो अब ये सुगंधित कैसे है? फसल मतलब खेत महकता है, पेड़ महकता है कि फसल महकती है, मतलब दाने जो निकलते हैं वो महकते हैं कि पकाने के बाद दाने महकते हैं, ये डिसाइड आप करिएगा। हम आपको बताते हैं कि ये मक्के की है, अरहर की है, या धान की है, या गन्ना की है। तो पूसा सुगंधा एक खुशबूदार चावल की किस्म है। ये चावल जो है महकता है सामान्य कच्चे तौर पर भी, और पकने के बाद तो कुछ ज्यादा ही महकता है। क्लियर। तो पूसा सुगंधा एक महकने वाले चावल की वैरायटी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, राज्य, तो यहां होगा आपका राज्य, राज्य बावल नहीं बल्कि चावल, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो नंबर एक पर है पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक चावल कौन उत्पादन कर रहा है, पश्चिम बंगाल। सेकंड नंबर पर यूपी है, थर्ड नंबर पर पंजाब है और फोर्थ नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तो यहां पर सेकंड भी जान लीजिए, सेकंड है यूपी, सेकंड है यूपी, बंगाल है फर्स्ट। क्लियर? तो प्रमुख चावल का उत्पादक राज्य आपके यहां बंगाल है, बंगाल के बाद यूपी, यूपी के बाद पंजाब, पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन चार राज्यों से प्राप्त होता है, तो बंगाल कहीं दिखाई दे रहा है, पहले विकल्प में पश्चिम बंगाल है, दूसरे में भी बंगाल है, सब में बंगाल है, चौथे को छोड़ करके, तो कम से कम चौथा तो गलत कर दो। क्लियर? अब देखते हैं बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा, ये क्वेश्चन तो गया, मैंने चार राज्य भी आपको बताए, तो क्रम से चार राज्य लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। अगर इन चार स्टेटों के चावल को एकत्र कर लिया जाए तो भारत के आधे से अधिक, मतलब एक बटा दो चावल इन्हीं राज्यों के द्वारा प्रोडक्ट किए जाते हैं। तो इनकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों देश में जो है अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। अगले सवाल पे आते हैं। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा, मैंने अभी थोड़ी समय पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। क्लियर? अब पहाड़ पे नहीं, पहाड़ पे अगर 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा हुई तो पानी निकल जाएगा, इसकी जड़ों में पानी रहना चाहिए, चावल ऐसी फसल है। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, उत्तर पश्चिमी भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल। गंगा क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल मतलब उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत में कौन सा हिस्सा आएगा, राजस्थान, गुजरात और उसके ऊपर चले तो पंजाब का, हिमाचल का एरिया, जम्मू कश्मीर का एरिया, उत्तर, दक्षिण पश्चिम में है तो विकल्प में है नहीं, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, पश्चिमी और दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत के मैदान। तो 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत यहां पर हिट रहेगा, उत्तर पश्चिमी भारत इन द सेंस ऑफ आपके पंजाब में भी कपास का उत्पादन होता है। पश्चिमी भारत को सेंस में ले तो नंबर एक पर महाराष्ट्र, नंबर दो पर गुजरात, ये प्रमुख राज्य हैं, गुजरात आपके उत्तर पश्चिमी भारत में आता है। तो आपके उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में कपास सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं, राज्य नहीं, राज्य की बात करेंगे तो टॉप पर महाराष्ट्र है, यहां पर जिला आपको ढूंढना है, तो उज्जैन और साजापुर, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये, उज्जैन और साजापुर में प्रोडक्टिविटी बेहतर होने के कारण इसे सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। ये किस क्षेत्र में है, ये मध्य प्रदेश में है, उज्जैन और साजापुर। क्लियर? आते हैं अगले सवाल पर, यह रहा आपका 48 नंबर क्वेश्चन। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, तने से या मूल से। भैया कपास के रेशे कैसे मिलते हैं, कपास तो एक प्रकार का जो है पेड़ है, इस पेड़ में फूल लगता है, पहले फूल लगने के बाद फल लगता है, फल के इर्द गिर्द, फल में भाई बीज होगा, फल में जब बीज होगा तो उसके इर्द गिर्द जो रेशे घेरा रहता है उस बीज को, तो ये मिलते हैं बेसिकली बीज से। कपास किससे मिलता है, हमें बीज से मिलता है, उसी बीज के इर्द गिर्द धागे या रुई मतलब कपास चिपका रहता है, तो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। ओके, चलते हैं आपके 49 नंबर क्वेश्चन पे। भाई लगभग हाफ सेंचुरी के आसपास होने को आए हैं हम, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बड़ा करते हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। यस, ये रहा आपका आपको विजिबल सवाल। चलिए, भारत में चार गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम दें,
तो पहले मैंने बता चुका हूं कि यूपी जो है गन्ना गेहूं आलू उत्पादन में नंबर एक पर है, और खाद्यान्न की बात करें तो उसमें भी नंबर एक पर है। तो उत्तर प्रदेश दो विकल्प में आपको मिला, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, क्रम से बताना है आपको, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एक विकल्प मिला। इन दो विकल्पों को तो काट दीजिए क्योंकि यूपी नंबर एक पर है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु का, और आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, दूसरा, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ओके, आए अगले सवाल पर। ये रहा आपका हाफ सेंचुरी वाला सवाल। जी हां, आपने हाफ सेंचुरी मार ली, ये आपका 50वां सवाल है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और यहां पे देखते हैं कि गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। भैया गन्ना में शुगर घट जाती है, क्यों घट जाती है देख लेते हैं। अक्सर मैं भाई मैं भी गांव से हूं, आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि गन्ने के सीजन, गन्ना जब ठंडी के मौसम में काटा जाता है, प्रायः जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास गन्ना अच्छी मात्रा में गन्ने की कटाई होती है, तो उसे बचाया जाता है कि उसमें पानी मत, उस खेत में पानी मत करिए, नहीं तो गन्ने में जो है गन्ने का रस हल्का हो जाएगा। मतलब अगर उसे कटाई के समय सिंचित कर दिया जाए तो गन्ना जो है, गन्ने का रस, जो जरस का जो गाढ़ापन है वो कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है भाई, ऐसा गांव के किसान कहते हैं। ओरिजिनलिटी यहां देखते हैं क्या है कि पौधा बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए। भाई बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए ये तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि गन्ना सर्वाधिक वर्षा गेन करने वाली फसल है। पकने की अवधि में पाला गिर जाए, पौधा बढ़ने की अवधि में तापमान में कमी वृद्धि हो जाए, ये होती रहती है। पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो, तापमान अगर बहुत अधिक होगा तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, क्लियर, तो वहां तापमान का कम होना जरूरी है। तो पकने की अवधि में अगर पाला गिर जाए तो क्या होगा, पकने की अवधि में अगर पाला गिर जाएगा तो बेसिकली गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाएगी। ओके, तो ये तो रहे, ये रहा 50वां सवाल। अपने 91वें सवाल पे आने के पहले एक बार आपसे वीडियो का शेयर करूं, मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करिए। ओके, तो भाई जल्दी से शेयर वेयर कर लीजिए। तो ये तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर, जो 50 बनोगा। 51वां सवाल आपका ये रहा। 51वां सवाल कहता है कि भारत में चीनी के प्रथम तीन अग्रणी उत्पादक हैं। चीनी वही जो मीठी वाली होती है जिसको सब खाते हैं। तो भाई तीन अग्रणी का मतलब होगा कि फर्स्ट थ्री, तीन अग्रणी का मतलब है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो भाई गन्ना सबसे ज्यादा यूपी में होता है, तो गन्ना जब यूपी में होगा तो चीनी भी यूपी में चाहिए, तो दो विकल्प तो आपके चले गए। अगर यूपी फर्स्ट नंबर पर है तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र या कर्नाटक, तो राइट आंसर आपका हो रहा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सबसे ज्यादा चीनी यूपी में पैदा होती है, उसके बाद महाराष्ट्र में, और तीसरा नंबर है कर्नाटक का। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। भाई शक्कर नगर एक जगह है जो किस राज्य में है, क्वेश्चन आपका यही है कि शक्कर नगर कहां पर है, हरियाणा में है, आंध्र प्रदेश में है, या आपके उत्तर प्रदेश में है, या महाराष्ट्र में है, ये चार विकल्प आपके हैं। तो शक्कर नगर बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, ये आपका राइट आंसर होगा। शक्कर नगर चीनी के लिए फेमस है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। ठीक, आप कह सकते हैं बाउल ऑफ सुगर कह लीजिए इसे, चीनी का कटोरा कह लीजिए या चीनी का प्याला कह लीजिए, तो आंध्र प्रदेश को कहेंगे, बिहार को कहेंगे, पंजाब को कहेंगे या उत्तर प्रदेश को कहेंगे, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला। 53 नंबर क्वेश्चन है, तो भाई यहां सबसे ज्यादा चीनी होगी वही शक्कर का प्याला होगा, और वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। 53 नंबर में राइट आंसर होगा यूपी। अगले सवाल पे चलते हैं, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है, प्रजनन इन द सेंस ऑफ नई किस्म की बीजों को बनाने के लिए हाइब्रिड क्वालिटी का गन्ना बनाया जाता है, तो यह हाइब्रिड क्वालिटी का गन्ना कहां बनाया जाता है भारत में, लखनऊ में, शाहजहांपुर में, श्रावस्ती में या कोयंबटूर में।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गन्ना का प्रजनन कार्य होता है कोयंबटूर में। कहां पर होता है? कोयंबटूर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है? तिलहनी फसल इन द सेंस आप जिससे तेल का उत्पादन किया जा सके। जी हां, तिलहन की फसल का मतलब होता है तेल का उत्पादन करने वाली फसल। तो भाई मसूर आपकी दलहन की फसल है, लोबिया आपकी दलहन की फसल है, बरसीम आपका हरा चारा का काम आता है, ठीक। एकमात्र इसमें पौधा बचा सूर्यमुखी, जो कि तिलहन के उपयोग में आता है, जिससे तेल निकाला जाता है। मसूर, लोबिया और बरसीम से तेल का उत्पादन संभव नहीं है, तो यह आपकी तिलहन की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी हां, पीत क्रांति, जी हां पीली क्रांति, जिससे सैम पित्रोदा साहब संबंधित थे। आपने हरित क्रांति पढ़ी, क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति पढ़ी, उसी तरह एक पीत क्रांति हुई, जिसके आप कहिए फादर कह लीजिए या जो है समर्थक सैम पित्रोदा थे। क्या नाम है इनका? सैम पित्रोदा साहब, वर्तमान समय में कांग्रेस के अच्छे नेता माने जाते हैं, सैम पित्रोदा साहब। तो सैम पित्रोदा साहब जो तिलहन रही उसके समर्थक रहे, और इस फसल में सबसे ज्यादा प्रभावित फसल रही सरसों। याद रखिएगा, तिलहन में सबसे ज्यादा प्रभावित फसल कौन सी रही? सरसों की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित रही, और राजस्थान इसका सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक फसल कौन सी है? शुष्क भूमि मतलब जहां पर थोड़ी सी बरसात कम हो। तो शुष्क भूमि की बात करें, वहां गन्ना ज्यादा पैदा होगा, जूट ज्यादा पैदा होगा, गेहूं ज्यादा पैदा हो गया, या मूंगफली। तो भाई गन्ना के लिए बरसात, अच्छी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जूट आपके पश्चिम बंगाल में होता है, और पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली फसल चावल है, और चावल के लिए भी पर्याप्त वर्षा की जरूरत होती है, तो जूट भी गया। गेहूं के लिए भी लगभग 50 से 75 सेंटीग्रेड वर्षा की जरूरत होती है, लेकिन मूंगफली के लिए इसकी आवश्यकता कम होती है। जी हां, तो 57 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा मूंगफली। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त तो फसल मानी जाती है। यस, ये रहा आपका अगला सवाल। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, पेगिंग किस फसल में लाभकारी होती है? तो गन्ना में होती है, शकरकंद में होती है, मूंगफली में होती है, या टेपियोका में होती है। चार फसलें आपके सामने हैं, तो पेगिंग बेसिकली आपकी लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली के लिए। सबने पढ़ा होगा पेगिंग किस में की जाती है? मूंगफली में की जाती है। क्लियर? जी हां, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 59वां सवाल कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। अग्रणी का मतलब होता है सोयाबीन उत्पादन में फर्स्ट रैंक किसकी है? तो फर्स्ट रैंक सोयाबीन उत्पादन में किसकी है भाई? महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश की है, पंजाब की है, या केरल की है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोयाबीन बेसिकली तिलहन की फसल है, और इसमें आपका अग्रणी उत्पादक राज्य सबसे नंबर एक पर मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? एमपी, जो है दाल उत्पादन, दलहन उत्पादन में भी और सोयाबीन के उत्पादन में भी नंबर एक पर है। ओके, चलते हैं आपके 60 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो तिलहन मतलब बेसिकली ऐसी फसलें जिससे तेल का उत्पादन हो, उसमें सूर्यमुखी भी आएगा, मूंगफली भी आएगा। तो इस हिसाब से भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक एक ही राज्य है। एक ही राज्य में तिलहन भी सबसे ज्यादा होता है और दलहन भी सबसे ज्यादा होता है, वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। मैं किसी क्वेश्चन में डिटेल सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हर डिटेल पे एक सवाल है, तो हम उसे सवाल के फॉर्मेट में ले आ रहे हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली, किसका? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या गुजरात है? तो मूंगफली और नमक, मूंगफली के साथ साथ नमक, इन दोनों के उत्पादन में नंबर एक स्थान पर एक ही राज्य है। तो मूंगफली के साथ साथ यहां पर नमक और ऐड कर लीजिए, ठीक। उस राज्य का तटीय क्षेत्र सबसे ज्यादा है, उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात में मूंगफली भी और नमक भी सबसे अधिक पाई जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? मैंने अभी भी बताया कि पीली क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव सरसों की फसलों पर पड़ा,
और सरसों की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित होने के साथ साथ सबसे अधिक प्रभावित किया इसने एक राज्य को जिसका नाम है राजस्थान, और वो है फसल वहां की है पीली क्रांति की सबसे ज्यादा प्रभावित फसल सरसों रही। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वरुणा प्रजाति है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बार बार ये एग्जाम में पूछी गई है और काफी प्रसिद्ध ये फसल है। पीले कलर के दाने इससे निकलते हैं और काफी इससे जो तेल निकलता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, काफी स्वास्थ्य के लिए भी काफी अनुकूल माना जाता है। तो वरुणा जो है सरसों की प्रजाति है, किसकी? सरसों की प्रजाति है। और आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि जिप्सम को अधिक मात्रा आवश्यक होती है, जिप्सम उसी जिप्सम की बात कर रहे हैं जो ऊसर सुधारने के लिए, बंजर जमीन के सुधार करने के लिए जो है सबसे उपयुक्त तो माना गया है, आपको मैंने परसों पढ़ाया था। तो जिप्सम धान की फसल के लिए है, बरसीम की फसल के लिए है, गेहूं की फसल के लिए या मूंगफली की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो जिप्सम का उपयोग सबसे बेहतरीन तरीके से मूंगफली की फसल में किया जाता है। क्लियर, ये रहा आपका अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? ठीक, कौशल ये सवाल भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसके पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो कौशल किसकी फसल है? जो है चना की है, कपास की है, मूंगफली की है या गेहूं की है? तो कौशल मूंगफली की हाइब्रिड किस्म की जो फसल है उसे आप कहते हैं कौशल। यह मूंगफली की उत्तम प्रजाति की फसल मानी जाती है जिसकी पैदावार सामान्य मूंगफली की तुलना में अधिक होती है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इसका आंसर मैं समझ रहा हूं कि मैं ना ही बताऊं तो बेहतर होगा। कई बार मैंने बताया कि तिलहन और दलहन इन दोनों में नंबर एक पर एक ही राज्य है, उसका नाम है मध्य प्रदेश, तिलहन में भी और दलहन में भी। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश, गेहूं में यूपी, चावल में आपका पश्चिम बंगाल, इस प्रकार के आंकड़े आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं लगातार। अगले सवाल पे आते हैं, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहन की फसल के लिए आवश्यक तत्व तो क्या होना चाहिए, मतलब उस खेत की मिट्टी में कौन सी चीज की उपयुक्तता हो अच्छी मात्रा में तो दलहन की फसल अच्छी होगी। भाई रहेगा तो अच्छी होगी, नहीं रहेगा, कम रहेगा तो फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। 67 नंबर का सवाल है। तो आपको बताएं, जिस खेत में कोबाल्ट की मात्रा अच्छी पाई जाती है, कोबाल्ट बेहतर मात्रा में पाया जाता है, उस जो है फसल वहां पर दलहन की फसल सबसे बेहतर होती है। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हैं। दलहन के लिए कोबाल्ट आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडल में नत्रजन मतलब नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसका स्थिरीकरण ना करने वाली दलहनी फसल। मैंने आपको बताया था कि दलहन में लगभग सभी फसलें नत्रजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जानी जाती हैं। ऐसी सारी फसलें लगभग लगभग जो द्विपत्रबीजी होती हैं उनके अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। और दलहन की मैक्सिमम फसलें दो दाल वाली होती हैं, और उसमें लेकिन एक फसल ऐसी है जो होती जरूर जो है दो दाल की है लेकिन नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करती, उस फसल का नाम है राजमा। ठीक, दलहन की फसल है चना, मटर और मूंग, ये नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जानी जाती हैं, लेकिन राजमा वो फसल है जो नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करता। ओके, अगले सवाल पे आते हैं, 69 नंबर पे। ये क्वेश्चन है कि अरहर का जन्म स्थान, जी हां, अगर दालों की बात करें या दलहन की फसलों की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादक, सबसे ज्यादा उपभोक्ता और सबसे ज्यादा आयातक भारत जो है, भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है सबसे बड़ा, क्या क्या है ये देख लीजिए, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उत्पादक भी है प्लस उपभोक्ता भी है, और भाई सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसे निर्यातक होना चाहिए था, लेकिन यह सबसे बड़ा आयातक भी है। क्या है? आयातक भी है। कारण उसका है कि भारत शाकाहार
करने वाले लोगों की संख्या भारत में ज्यादा है और इस अरहर की फसल का जन्म भी भारत में ही हुआ है। अरहर भारतवर्ष की फसल है, भारतवर्ष में इसको सबसे पहले बोया गया था। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भारत। क्लियर, अरहर हो गई, कपास हो गई, इन फसलों का जन्म स्थान भारत है। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? रेशम ये वही है जिसने भारत को सोने से भर दिया था। जब आर्टिफिशियल रेशम नहीं बनाया जाता था, नेचुरल रेशम ही बाजार में बिकता था, तो भारत का एक रेशम है मलबरी। ठीक, मलबरी ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध रेशम था और भारत में आपने सुना ही होगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग पे रेशम नहीं बिछाया था बल्कि उस मार्ग से भारत में पैदा होने वाले रेशम का व्यापार किया जाता था। इसीलिए प्राचीन काल के इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा रेशम मार्ग। रेशम बेच करके भारत के लोगों ने सोना पैदा किया था, सोना इकट्ठा किया था। और वह सबसे ज्यादा रेशम भारत में कहां पैदा होता है आज की डेट में? आज तो खैर दुनिया के तमाम देशों में होता है, चीन सबसे ज्यादा रेशम पैदा कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो नेचुरल के साथ साथ आर्टिफिशियल रेशम भी पैदा करता है, इसलिए नंबर एक पर है। तो रेशम भारत में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक उत्पादन होता है कहां पर? कर्नाटक में। क्लियर, चलिए अगले सवाल पर। यस, रेशम में कर्नाटक नंबर एक पर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? भाई इसमें तीन सुमेलित नहीं होंगे, एक ही सुमेलित होगा। तो ये सारे के सारे रेशम से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो सबसे पहले इरी रेशम की बात करते हैं। यहां मैं कंफर्म करता हूं, इरी रेशम सबसे अधिक पाया जाता है असम में। तो ये तो सुमेलित हो गया, अगर असम है तो सुमेलित है। मैं इधर लिख रहा हूं, आप मिलाते चलिए। अब बात आती है मूंगा रेशम की। तो मूंगा रेशम भी असम में ही पाया जाता है। मूंगा रेशम का भी सर्वाधिक उत्पादन कहां होगा? असम में होता है। सहतूत रेशम, जी हां, सहतूत के पेड़ों पर जो है पाला जाता है इन्हें, और यह सहतूत रेशम होता है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में सहतूत रेशम और टसम रेशम की बात करें तो सबसे ज्यादा पैदा होता है झारखंड में। क्लियर, तो इस हिसाब से सिर्फ सुमेलित विकल्प एक है, तीन जो सुमेलित नहीं है ये इसको यहां मिला लीजिए, सहतूत कर्नाटक, टसर जो है वो झारखंड, मूंगा रेशम भी असम में ही पैदा होता है। क्लियर, चलिए अगले सवाल पर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले भाई। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आप फंस जाते हैं उस समय। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, 72 नंबर। ये सवाल ही थोड़ा सा गलत है, रेशम के बारे में इसमें बताना है। चार विकल्प थे और एक विकल्प थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए इस सवाल को हम लोग, ये सवाल इनकम्प्लीट है क्योंकि भारत में मेघालय इरी रेशम में भारत में मेघालय इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यही गलत हो गया, इरी रेशम गलत है। तो इरी रेशम सबसे ज्यादा कहां पैदा हो रहा है आपके यहां? अभी अभी मैंने बताया कि सबसे अधिक इरी रेशम पैदा होता है असम में। कहां पर? असम में। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी फॉल्ट है इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर ब्रेक कर देंगे। रेशम से जुड़ा हुआ था, कुछ और स्टेटमेंट इसमें रहे होंगे, इसमें एक ही स्टेटमेंट आ पाया है, तीन स्टेटमेंट शायद छूटे हुए क्योंकि इसमें एक दो तीन चार जैसा विकल्प दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। मूंगा रेशम, और अभी अभी मैंने बताया कि मूंगा रेशम भारत में सिर्फ एक ही जगह पैदा हो रहा है, वो राज्य कौन सा है? जहां इरी वहीं मूंगा। तो जी हां, इरी और मूंगा एक ही राज्य में पैदा होता है, वो है असम। और मूंगा रेशम जो है भारत का काफी डिमांडेबल रेशम है, दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि किस राज्य में सर्वाधिक काफी का उत्पादन होता है? जी हां, वही काफी जिसको पी करके आप काफी रिलैक्स महसूस करते हैं। आप सबको पता है कि काफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में पैदा होती है। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी नगदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त की, मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? ठीक भाई, विदेशी मुद्रा तो निर्यात से ही प्राप्त होगी, तो वो कौन सी फसल है? तंबाकू, सन, गेहूं और चाय। तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए भाई भारत वाले अपनी चाय बेच देते हैं। जी हां, तो चाय के निर्यात से जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक, अधिकतम, यस, ये रहा अगला सवाल।
निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो चाय की बात करें तो सबसे बेहतर चाय जो भारत में पैदा होती है, सबसे उत्तम क्वालिटी की, वो पैदा होती है दार्जिलिंग में। कहां पर? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग आपका है बंगाल में। कहां पर है? बंगाल में। लेकिन यहां पर पूछा है कि सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब मात्रा की बात हो रही है, सबसे बड़ा उत्पादक मतलब मात्रा, और मात्रा की बात करें तो आंसर होगा आपका असम। सबसे उत्तम क्वालिटी की चाय बंगाल में और सबसे अधिक मात्रा में चाय असम में पैदा होती है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? किसकी, यहां क्या की जगह आप किसकी लिख सकते हैं, क्या की जगह आप लिख लीजिए किसकी किस्म है। ग्रीन गोल्ड काफी है, स्वर्ण है, चाय है या धान है? ग्रीन गोल्ड, भाई एक गोल्डन राइस सुना था, तो गोल्डन राइस जो है वो तो क्लियर हो गया, राइस है तो धान होगा। ये काफी है, सोना है, ग्रीन गोल्ड। सोना तो पीला होता है, आप इसे ग्रीन गोल्ड नहीं कह सकते। हरा है और सोना है, मतलब कीमती है और हरा भी है। तो भाई काफी भूरी होती है, हरी नहीं। जरा सा टेक्निकलिटी जोड़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, आपको ग्रीन गोल्ड आपकी चाय कहलाती है। क्लियर, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक बहुत बेहतरीन सवाल है। पटसन, चाय, गन्ना या कपास, 78 नंबर क्वेश्चन है आपका। और बराक घाटी की बात करें तो आप चले चलिए सेवन सिस्टर में, ठीक, हिमालय की घाटी है ये। तो अगर सेवन सिस्टर में चल रहे हैं तो आपको एक राज्य मिलेगा। सेवन सिस्टर में पटसन, गन्ना और कपास की संभावना ना के बराबर है। कपास थोड़ा बहुत असम में पैदा जरूर होता है, लेकिन पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण फसल है, तो महत्वपूर्ण फसल बराक घाटी की है चाय। कौन सी फसल होगी? चाय। ये रहा आपका अगला सवाल। जी हां, ये क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आते हम लोग अपने अगले सवाल पर। ये क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एक राज्य ऐसा है जिसमें 90% भारत का जो कुल रबड़ उत्पादन होता है उसका 90% रबड़ एकमात्र राज्य केरल में उत्पादित किया जाता है। और केरल के जो चार जिले हैं उसमें एक एर्नाकुलम है, क्या नाम है? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम के बाद कोट्टायम, ये जो समुद्री किनारे वाले जिले हैं, एर्नाकुलम हो गया, कोट्टायम हो गया, कोझिकोड हो गया और कोल्लम हो गया। कोझिकोड और केल्लम, कोझिकोड और केल्लम, ये चार जिले मिलकर के जो है ये टोटल का टोटल रेशम मैक्सिमम उत्पादन करते हैं। तो भारत के कुल रबर उत्पादन में केरल का नंबर एक पर स्थान है, और यही चार जिले हैं जो केरल के किनारे वाले जिले हैं, यही सबसे ज्यादा रेशम रबड़ का उत्पादन करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 80 नंबर सवाल, भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? लो भाई, ये खतरा आ गया। कहवा मतलब कॉफी, रबड़ की भी खेती की जाती है और तंबाकू की भी खेती जाती है। एक राज्य ऐसा जहां तीनों चीजें उगाई जाती हैं, तो भाई इसमें कर्नाटक, भाई अगर यहां से क्वेश्चन पकड़ना हो तो आपको बता दें कहवा का उत्पादन जो है आपके यहां कर्नाटक में ही होता है। तो कहवा अगर विकल्प में है तो कर्नाटक को आप पर, कर्नाटक पर आपको जाना पड़ेगा। तो आप ये जान लीजिए कि 90% रबड़ केरल में होता है और 10% रबड़, ये 10% रबड़ जो है वो कर्नाटक में ही पैदा होता है। केरल और कर्नाटक मिलकर के भारत में संपूर्ण रबड़ का उत्पादन 100% करते हैं। ओके, और तंबाकू आंध्र प्रदेश में नंबर एक पर है, लेकिन कर्नाटक का भी योगदान है जो है तंबाकू उत्पादन में। तो तंबाकू की बात करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य सस्य, मुख्य सस्य का मतलब होता है मुख्य फसल कौन कौन सी है बागानी कृषि, ठीक। चाय, रबर, नारियल और कहवा।
चाय रबर सूर्यमुखी सोयाबीन। तो भाई सोयाबीन और सूर्यमुखी का जो है बागानी नहीं की जाती, चाय केला अंगूर और नारियल, और चाय रबर नारियल और सोयाबीन, अंगूर नारियल, ठीक, नारियल चाय रबर कहवा। तो आपको बता दें भारत में जो बागानी की फसल है वो है चाय, कहवा, रबर, नारियल और मसाले। चाय, कहवा, रबर, नारियल और मसाले। तो यहां पर आपका ए आंसर सबसे बेहतरीन समझ में आ रहा है, क्योंकि ना तो सूर्यमुखी और ना ही अंगूर और ना ही सोयाबीन, क्लियर। तो यहां तो सोयाबीन भी कटेगा, तो केला भी क्या बागानी के तहत नहीं उगाया जाता। तो बेसिकली चाय, रबर, नारियल और कहवा के साथ साथ यहां ऐड कर सकते हैं आप मसाले। कौन से मसाले? मसाले भी बागानी कृषि का ही अंग है। इतनी फसलें आपकी हैं जो किसके तहत उगाई जा रही हैं, बागानी एग्रीकल्चर या बागानी कृषि। अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। मैंने अभी अभी आपको बताया कि तंबाकू के मामले में देखें तो नंबर एक पर कौन है, तंबाकू उत्पादन में सबसे नंबर एक पर है आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर गुजरात और थर्ड नंबर पर कर्नाटक। ये जो है सेकंड है और ये जो है थर्ड नंबर पर है, क्लियर। फर्स्ट नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, यहीं पर गुंटूर में तंबाकू रिसर्च सेंटर बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 83 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नारियल कहां होता है इसे बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखें तो नारियल में नंबर एक पर है केरल, सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है, नंबर एक पर केरल है, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है, और अगर तीसरे नंबर पर जाएं तो कर्नाटक का स्थान आएगा, ये थर्ड नंबर पर है। तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक नारियल उत्पादन में भारत के पहले तीन राज्य हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित मसालों में से भारत किन का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हां, बड़ा सवाल है, काली मिर्च, इलायची, लौंग और अदरक। तो काली मिर्च तो भारत का ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, लेकिन इलायची की बात करें तो इलायची भारत में जरूर होती है लेकिन भारत नंबर एक पर नहीं है, इलायची में ग्वाटेमाला। इलायची में कौन आगे है? ग्वाटेमाला नंबर एक पर है, क्लियर, ग्वाटेमाला। लौंग की बात करें तो लौंग में इंडोनेशिया नंबर एक पर है। कौन है नंबर एक पर? इंडोनेशिया। लौंग उत्पादन में इंडोनेशिया नंबर एक पर है, इंडोनेशिया नंबर एक पर है। अब बची अदरक, तो जी हां, काली मिर्च और अदरक इन दोनों का उत्पादन भारत में नंबर एक पर है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, पहला और चौथा जो है काली मिर्च और अदरक के उत्पादन में भारत नंबर एक पर है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। केरल जो स्टेट है आपका, किसके संवर्धन का मूल केंद्र है, 85 नंबर क्वेश्चन है आपका। आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में गर्म मसालों की डिमांड सबसे ज्यादा है, और बेसिकली ठंडे प्रदेशों वाले राज्य में आप ये देख लें तो सबसे ज्यादा गर्म मसाले की डिमांड यही होती है, जिसमें काली मिर्च सबसे ऊपर है, और ये गर्म मसालों का बागान कहा जाता है। जी हां, केरल मसालों का बागान कहा जाता है, तो मसालों का संवर्धन केंद्र केरल में है। ओके, अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, लौंग प्राप्त होता है। भाई मुझे नहीं पता कि लौंग कहां से प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, या पुष्प कली से प्राप्त होता है। तो जड़ से लौंग नहीं प्राप्त होता, तना नहीं प्राप्त होता, फल लौंग बन नहीं पाता, वो फूल की कली है, फूल भी नहीं बन पाता, मतलब पुष्प कली से प्राप्त होता है लौंग। और आपको मैंने बताया कि लौंग उत्पादन में दुनिया में नंबर एक पर कौन है, ये आप जान ही रहे हैं, इंडोनेशिया। और भारत की बात करें तो केरल के क्षेत्र में लौंग का उत्पादन अच्छा होता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग की खेती होती है। अभी तुरंत सवाल आ गया कि लौंग की खेती कहां होती है, तो लौंग की खेती, खती नहीं बल्कि इसे खेती कर लीजिए, लौंग की खेती होती है आपके केरल में। मैंने अभी अभी बताया लौंग उत्पादन में आपका अग्रणी राज्य केरल होगा। अगला सवाल,
कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड किस मसाले को कहते हैं? ये वही मसाला है जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। ना भारत में काली मिर्च होती, ना अंग्रेज यहां आते, ना पुर्तगाली आते, और ना ही भारत के की महक यूरोपियों तक पहुंचती और भारत 200 साल तक गुलाम होता। जी हां, यह ब्लैक गोल्ड जिसने भारत को बहुत पैसा दिया, नो डाउट बहुत धन दिया, लेकिन वो सारा का सारा धन अंग्रेज उठा के ले गए, वो काला सोना है आपका काली मिर्च। ओके, ये सबसे ज्यादा आपके केरल में पैदा होती है। अगला, झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या कहलाती है? मैंने आपको पढ़ाया है कि झूमिंग कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसे कहते हैं। लोग किसी जगह पर टिकते हैं, जंगलों को काट करके खेती करते हैं और तब तक वहां खेती करते हैं जब तक कि उस मिट्टी में उर्वर शक्ति बची हुई है। उर्वर शक्ति समाप्त होती है, लोग शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह, फिर जंगलों को काटते हैं और फिर वहां पर खेती करते हैं। तो जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना झूमिंग या पैड़ा कहलाती है। बेसिकली पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्लियर? पूर्वोत्तर के राज्यों में जो सेवन सिस्टर के स्टेट हैं, वहां पर यह सबसे ज्यादा पैदा होती है। अगला सवाल यही है कि झूमिंग सर्वाधिक व्यवहारित है। ठीक, व्यवहारित है, यहां यह हटा दीजिए। व्यवहारित मतलब सबसे ज्यादा कहां की जाती है झूमिंग कृषि? असम में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में या मध्य प्रदेश में? तो मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड इसके लिए सबसे फेमस जगह मानी जाती है। नागालैंड झूमिंग एग्रीकल्चर के लिए सबसे जो है पॉपुलर जगह है, वहां पर सबसे रखी जाती है। अगला सवाल आपका ये रहा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आलू, भाई यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर एक पर है, तो मैंने बताया आलू, गेहूं कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी नंबर एक पर है, आलू सही है। नारियल उत्पादन में केरल नंबर एक पर है। केला उत्पादन में महाराष्ट्र, बिल्कुल यही गलत होगा क्योंकि केला उत्पादन में नंबर एक पर है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है, तो गुजरात केला उत्पादन में नंबर एक होगा। और तंबाकू आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया। तो 91 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से सी विकल्प गलत मिलाया गया है, केला महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में सबसे ज्यादा पैदा होता है। जी हाँ, भुसावल का केला फेमस जरूर है, लेकिन टोटल केला उत्पादन में गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे ढकेल दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। मैं कई बार शुरू से बता चुका हूं कि कुल खाद्यान्न के साथ साथ गेहूं, गन्ना और आलू उत्पादन में यूपी नंबर एक पर है। यूपी नंबर एक पर है, यह आपका 92 नंबर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यह रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो नमक, इस नमक से भी आप हिट करना चाहेंगे तो भी जो है मामला आपका बन जाएगा, लेकिन यहां पर एक विकल्प गलत छप गया है, वो है दुग्ध। दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पाद है, ठीक, दुग्ध के उत्पाद, तब सवाल सही है, एवं दुग्ध के उत्पादों में, यहां दुग्ध नहीं है, याद रखिएगा कि यहां दूध उत्पादन की बात नहीं कर रहा है, यह मिल्क प्रोडक्ट की बात कर रहा है, दुग्ध उत्पादों की बात कर रहा है। क्योंकि आप अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो यूपी नंबर एक पर चला आएगा। तो कपास, मूंगफली और नमक, मूंगफली और नमक को मैं अभी अभी बताया हूं, ठीक, और कपास उत्पादन में जो है ये नंबर एक पर है, तो वह राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। अगर इस एग्रीगेट को मिलाकर देखें, कपास में तो धीरे धीरे महाराष्ट्र ने गुजरात का स्थान ले लिया है, लेकिन एग्रीगेट देखें तो मूंगफली, नमक और दुग्ध के उत्पादों में गुजरात नंबर एक पर है। 93 नंबर क्वेश्चन है, तो गुजरात आपका राइट आंसर होगा इस हिसाब से। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गन्ना, चुकंदर, स्वीट पोटैटो, चना, अरहर और फरास बीन किसके अंतर्गत आते हैं? गन्ना, चुकंदर, स्वीट पोटैटो, चना, अरहर, फरास बीन, फसल है ये सारी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं? द्विपाद कुल, त्रिपाद कुल, चतुष्पाद कुल या पंचपाद कुल? तो भाई साहब, ये सारी फसलें
त्रिपाद कुल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आएंगी? 94 नंबर क्वेश्चन में ये फसलें त्रिपाद कुल के अंतर्गत आती हैं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर, भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन किस राज्य में होता है? जी हां, पटसन, जूट की बात हो रही है यहां पर, तो पटसन का उत्पादन भारत के किस राज्य में है? कौन बताएगा इसका आंसर? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अब आपकी बारी। 95 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। तो पटसन उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर एक पर है, सेकंड नंबर पे असम है, फर्स्ट नंबर पे पश्चिम बंगाल, सेकंड नंबर पे असम और बिहार। यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मक्के की खेती की जा सकती है? भाई मक्के की खेती, मक्का तब बोया जाता है जब आपके यहां धान की फसल बोई जाती है। धान मक्का लगभग साथ साथ उगाई जाने वाली फसलें हैं जो लगभग पैरेलल चलती हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो कौन बताएगा मक्के की फसल कैसी होती है? तो मक्के की खेती की जा सकती है, हाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मामला गड़बड़ हो रहा है। की जा सकती है, की जाती नहीं है, इस प्रश्न को थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। की जा सकती है तो बेसिकली मुख्यतः तो ये मक्का आपके खरीफ की फसल है, लेकिन भारत में मक्के की खेती पूरे साल भर की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे जब, तो आपका आंसर जो है खरीफ की जगह क्या हो जाएगा, वर्ष भर मक्के की खेती की जाती है, बरसात के मौसम में मक्का उगाया जाता है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में मई जून में ही मक्का उपलब्ध हो जाता है, मार्च अप्रैल, मतलब यहीं पर मार्च अप्रैल में ही मक्के की बुआई शुरू हो जाती है। तो ये वर्ष भर उपलब्ध होने वाली अब फसल हो गई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर खेती की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मक्का की फसल करने की अवधि क्या है, मतलब मक्का की फसल कितने समय में पक जाती है? ठीक, 40 दिन में, 60 दिन में, 140 दिन में या 110 दिन में? तो भाई लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके खेतों में मक्का होता होगा। तो देखिए, मुख्यतः ये खरीफ की फसल है, मैंने बताया कि ये खरीफ की फसल है, और अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई, जून जुलाई में बोई जाएगी। और ये काटी कब जाती है? जून जुलाई में बोई जाएगी, और लगभग 140 से 50 दिन बाद, 140 से 150 दिन बाद ये काट ली जाती है, अक्टूबर नवंबर में। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। शक्तिमान वन और शक्तिमान टू आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, इनको जेनेटिक तौर पे बदला गया है। शक्तिमान वन, शक्तिमान टू, बहुत से लोग जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए होंगे वो इन, एक पैकेट आता है इनका जिसके बड़ा ऊपर बड़ा सा लिखा रहता है शक्तिमान, वो शक्तिमान उड़ने वाला नहीं है, जो टीवी में आता है उड़ जाता है वो वाला नहीं, उससे नहीं बनाया गया है ये। तो ये कपास है, चावल है, मक्का है या गेहूं है? तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपको बता दें कि ये शक्तिमान मक्के की फसल है। किसकी है? मक्का ही जो है ये हाइब्रिड फसल है, शक्तिमान वन और शक्तिमान टू के नाम से। ये उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज हैं जो भारत में पॉपुलर हुए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? केसर भारत के एकमात्र राज्य में अच्छे ढंग से पैदा किया जा सकता है, और वहीं पर इसके पैदा होने का अनुकूल माहौल है, और वो राज्य आपका है भारत का सिराज, जम्मू कश्मीर। जी हां, आपका मस्तक है वो, आप जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। क्लियर? तो वो राज्य आपका है जम्मू कश्मीर, जो सबसे महत्वपूर्ण फसल देता है, बहुत महंगा मिलता है केसर। जी हां, केसर का उत्पादन एकमात्र राज्य करता है, वो है जम्मू कश्मीर। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है, मतलब रोपाई की जाती है? बहुत सी खेती ऐसी है जो प्रतिरोपण के द्वारा संभव है, धान की फसल प्रतिरोपण के द्वारा की जाती है, ये भी आप जानते होंगे, और जितनी भी हरी सब्जियां कह रहे हैं, जैसे गोभी हो गई, टमाटर हो गया, इनका भी प्रतिरोपण किया जाता है, लेकिन इनमें एक और फसल आपके सामने है, प्याज। प्याज को पहले किसी खेत में बहुत महीन उगाई जाती है, फिर उसे वहां से उखाड़ करके किसी दूसरे खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह लगाना, यही है प्रतिरोपण। तो प्याज की खेती भारत में प्रतिरोपण के द्वारा
की जाती है। और प्याज उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र प्याज उत्पादन में नंबर एक पर है। जी हाँ, पुणे की प्याज बहुत प्रसिद्ध है भारत में, क्या विश्व में फेमस है ये प्याज। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? यूपी के पूर्वी मतलब पूर्वांचल की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की स्थिति बिहार की स्थिति से लगभग मिलती जुलती है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से मतलब पूर्वी भारत के लिए सबसे उपयुक्त फसल चक्र क्या है। धान मक्का गेहूं, मक्का आलू मूंग, मक्का तोरिया गेहूं या कपास गेहूं मूंग। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बेहतरीन फसल बोई जाती है वो है धान मक्का और गेहूं। क्लियर, धान की फसल उगाई जाती है, मक्के की फसल उगाई जाती है और गेहूं की फसल उगाई जाती है। ये फसल चक्र है आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? भागीरथी घाटी एक बड़ा प्रश्न है कि भागीरथी घाटी सबसे पहले तो यही जो है महत्वपूर्ण है, 19वीं शताब्दी की बात है ये, उस समय इस फसल को उगाया गया था और बेसिकली एक पहाड़ी हिल्स है ये भागीरथी घाटी है। क्या भागीरथी घाटी राजा हरसिल कहा जाता है इसे पहाड़ी को, तो यहां पर ये उत्तराखंड के क्षेत्र से संबंधित है। तो यहां पर किसने सबसे पहले राजमा और आलू की खेती की थी, बड़ा सवाल है और 19वीं सदी की बात है ये, 1801 से लेकर के आपके 1899 तक। तो बेसिकली यह काम किया है विल्सन के द्वारा, विल्सन ने इन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या उगाया है, आलू और राजमा की फसल उगाई है। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्जी उत्पादन में भारत है, भाई जब भी किसी उत्पादन की बातचीत आती है तो विगत कुछ वर्षों से कोई भी उत्पादन चीन नंबर एक, लेकिन भारत ने पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि भारत की आबादी इतनी ज्यादा और भारत शाकाहार का इस्तेमाल करता है। दाल उत्पादन में चाइना वाले तो बहुत कुछ खा रहे हैं और उसी की देन है कि इस समय वो संक्रमण से परेशान है, खुद भी परेशान है, दुनिया को परेशान कर रखा है, पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ रही है। भारत में भी इस वायरस का जो है संक्रमण देखा जा रहा है, नो डाउट परेशानी बढ़ी हुई है उनके उसी खाद्य जो है खाद्य की जो उनकी परंपरा है वो कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन भारत शाकाहार के मामले में नंबर एक पे है और यही कारण है कि दालें सबसे ज्यादा, लेकिन सब्जी उत्पादन में जो चाइना से पीछे हो गया है, सब्जी उत्पादन में भारत सेकंड नंबर पे है। कौन से स्थान पे है? द्वितीय नंबर पे है सब्जी उत्पादन में भारत। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। आम की बीज रहित प्रजाति है, रत्ना है, बॉम्बे ग्रीन है, कृष्णा भोग है, सिंधु है, ये सारी की सारी आम की ही प्रजातियां हैं और इसमें बीज रहित प्रजाति आपको खोजना है। मतलब वो कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो भाई इस आम को खरीदने में गुठलियां नहीं मिलने वाली हैं, आम ही मिलेगा और वो आम है आपका सिंधु। बीज रहित प्रजाति आम की है सिंधु। क्लियर, तो बहुत लोग जानते होंगे इस सिंधु के बारे में। बिल्कुल, आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। यह भारत में ही नहीं पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी फसल है जिसमें बीज नहीं पाया जाता। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, ललित जिसकी उन्नत किस्म है, ललित ये आम है, केला है, अमरूद है या स्ट्रॉबेरी है? तो भाई भारत में अमरूद का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है और खैर आम भारत की आपकी राष्ट्रीय फसल फल के रूप में घोषित किया गया है। केला का भी पर्याप्त उत्पादन यहाँ भारत में होता है, नंबर एक पर गुजरात है। आम के उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, लेकिन अगर अमरूद की बात करें तो अमरूद की जो हाइब्रिड फसल है वो कहलाती है जो है उन जो है क्या कहलाती है ललित, क्या कहलाएगी ललित जो है अमरूद की हाइब्रिड तकनीकी है। और वैसे इलाहाबाद का जो खुसरो बाग एरिया है ये भारत में सबसे बेहतरीन अमरूद उत्पादन करने के मामले में नंबर एक पर है। क्लियर, यस, ये रहा आपका अगला सवाल। गुजरात निम्न फसलों में से किस एक का मुख्य उत्पादकों में से एक है? गेहूं, गन्ना, बाजरा और नारियल। तो भाई गेहूं में तो नंबर एक पर है यूपी, गन्ने में नंबर एक पर है यूपी, नारियल में नंबर एक पर है केरल, अब बचा बेचारा बाजरा। तो चलिए ले आते हैं बाजरा गुजरात से। जी हां, गुजरात में पशुपालन की जो तकनीकी है
वो काफी बेहतर है। और बाजरा और मक्का और ज्वार ये बेसिकली पशुओं के लिए उपजाई गई फसल मानी जाती है, और बाजरा बेसिकली गुजरात की सबसे बेहतरीन फसल मानी जाती है। तो मुख्य उत्पादन वहां मोटे अनाजों का होता है जिसमें बाजरा फर्स्ट है। क्लियर। अगला सवाल आपका, ये रहा आपका सवाल, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बोरला पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग, भाई नॉर्मन बोरलाग का नाम आपने सुना होगा, वही नॉर्मन बोरलाग जो अमेरिका के निवासी थे उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया। नॉर्मन के आगे बोरलाग जोड़ लीजिए। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों का निर्माण किया। जी हां, यह बोरलाग पुरस्कार आपको दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। बोरलाग साहब को बता दें हम आपको कि इन्हें 1998 में शांति का नोबेल दिया गया, शांति का नोबेल, और उसके साथ साथ भारत सरकार ने भी इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण मैंने इसी वीडियो में बताया है बोरलाग साहब के बारे में। क्लियर। अब आते हम लोग अपने अगले सवाल पर। तो आते हम लोग अपने अगले सवाल पर कि प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। प्रसंस्करण का मतलब होता है कि आलू की किस्म में सुधार करने के लिए उसका जो है उसकी नई तकनीक को डेवलप करना, नए बीज बनाना। तो प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म मतलब हाइब्रिड आलू, आप कह सकते हैं कि उच्च उत्पादन क्षमता की आलू इसमें से कौन है। कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, वैसे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर आलू यही है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आलू कुफरी बादशाह है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसंस्कृत सबसे ज्यादा उत्तम किस्म आपके यहां बनाई गई है वो है कुफरी चिप्सोना सेकंड। ये कौन सी आलू है, ये इस आलू की क्वालिटी ये होती है कि आलू जो है बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ों में नहीं लगती, लेकिन जो भी लगती है 2-3-4 वो काफी बड़े बड़े आकार की होती है, तो इसीलिए इसे कुफरी चिप्सोना कहा जाता है। तो कुफरी चिप्सोना की जो सेकंड जनरेशन है वो सबसे अधिक शुद्ध और सबसे अधिक प्रसंस्कृत फसल है। क्लियर। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में आलू उत्पादन सबसे ज्यादा होता भी है, आपको मैंने पहले ही बताया। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। लो भाई, निर्वाह मूलक कृषि मतलब जीवन जीने के लिए, कहने का मतलब व्यक्ति इस कृषि को जीवन जीने के साधन के तौर पे इस्तेमाल करता है तो उसी कृषि को कहा जाता है निर्वाह मूलक कृषि। तो निर्वाह मूलक कृषि कौन है, आंसर दे है किसी के पास आंसर, आपको बताएं कि निर्वाह किससे हो सकता है। भाई सबसे पहली चीज है रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, यही तीन चीज जीवन के मूल आधार हैं। तो रोटी कहां मिलने वाली है, रोटी मिलने वाली है मोटे अनाज मतलब भारत में सबसे ज्यादा तो चावल खाया जाता है। रोटी कहने का मतलब है भोजन, भोजन के उद्देश्य से की जाने वाली खेती को आप कहते हैं निर्वाह मूलक कृषि। क्या कहेंगे, निर्वाह मूलक कृषि। तो भारत में जो मोटे अनाज और चावल की जो खेती होती है वो खेती निर्वाह मूलक या परंपरागत कृषि भी इसी को कहा जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। ये कपास और तंबाकू, चाय, कहवा, सब्जियां और फल, ये एक प्रकार से व्यावसायिक कृषि है, ये निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत नहीं आती। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाज और चावल आते हैं। ओके भाई, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर हमारे खेत में सब्जी बोई जाती है और जो हम लोग खाने के लिए बोते हैं, बिल्कुल सब्जी खाने के लिए बोई जाती है, चाहे आप बोएं और चाहे एक सब्जी का उत्पादक बोए। तो यहां एक हैवी फार्मिंग की बात हो रही है, बड़े फार्मों में भाई आप अगर बड़े फार्मों में खेती कर रहे हैं तो वहां पर बड़े फार्मों में आप जो लोग धान और गेहूं और मोटे अनाजों की खेती करते हैं वह अपने भोजन के लिए करते हैं, बड़े फार्मों में जो लोग सब्जी को उगाते हैं वो व्यवसाय के लिए करते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है। मतलब पहली बात तो क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है कि अदरक एक प्रकार का तना है, ये याद कर रखिएगा कि अदरक जो जमीन के अंदर पैदा होता है, जमीन के अंदर पाई जाने वाली हर फसल जड़ नहीं होती, उसमें बहुत सी फसलें तना भी हैं जो हम खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो तना भी कई प्रकार का होता है, कंद होता है, प्रकंद होता है, घन कंद होता है, रायोफोर होता है। तो अदरक एक प्रकार का कौन सा तना है जो हम खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, वो है प्रकंद। कौन सा है, प्रकंद, राइजोम है अकबर अदरक एक प्रकार। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चले। ये रहा आपका 111
क्वेश्चन नंबर 111, ये वो संख्या है, इस संख्या को जब भी मैं देखता हूं तो मुझे एक कहानी छोटी सी याद आ जाती है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट या विश्व क्रिकेट का एक अंपायर हुआ करते थे डेविड सेपर्ड। डेविड सेपर्ड महोदय जब भी स्कोर किसी भी टीम का 111 होता था तो एक पैर पे खड़े हो जाते थे, दो पैर पे नहीं। खैर आप तो बैठ के देख रहे होंगे लेकिन मैं एक पैर पे आई जाता हूं। खैर मैं डेविड सेपर्ड नहीं हूं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? अनाज के दानों का उत्पाद, ठीक, ओटमील, सेंगो, सोया फ्लोर या आरा रोट। आरा रोट तो पाउडर है यार, दाने में पाउडर नहीं पाया जाएगा। सेंगो, सोया फ्लोर और ओटमील, ये आपके चार विकल्प हैं। इनमें से आपको ये चुनना है कि कौन सा है। ओटमील, तो ओटमील आपका क्या होगा, अनाज के दानों में से बनता है ओटमील। क्लियर, एक प्रकार का दाना है ये, एक प्रकार की फसल है ये। भारत में बहुत सी ऐसी फसलें पाई जाती हैं जो हम नहीं जानते, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहीं की फसलों के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है उन फसलों के बारे में जानते हैं। बहुत सी ऐसी किस्म की दालें पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। तो बहुत सी ऐसी फसलें भारत में हैं और उसी में से एक देखिए आ गया। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ, कोदा जिसे कहते हैं, गांव में आप लोग कोदो कहते हैं, ठीक, मंडुआ या कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? दुनिया में बहुत ही महंगा बिकने वाला ये एक फसल है, बहुत ही डिमांडेबल है ये। आप इसके बिस्किट वगैरह भी बाजार में उपलब्ध हैं, मिलते हैं और बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। कारण कि एक तो पहली बात, जब कोई भी चीज पर्वतीय क्षेत्र में होती है तो पर्वतीय क्षेत्र की कृषि के बारे में आपको एक बात बता दें, पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। और आपको पता भी होगा सिक्किम भारत का ऐसा राज्य बन चुका है जो रासायनिक उर्वरक का 50 ग्राम भी प्रयोग नहीं करता, वो 100% जैविक राज्य है। उत्तराखंड की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, वो भी पर्वतीय राज्य है। और उत्तराखंड में ये मंडुआ जो पाया जाता है ये एक अंतरराष्ट्रीय उत्पाद के तौर पर उभरा और इसको सबसे ज्यादा खरीदने वाला देश कौन सा है? जापान। जापान इसके बिस्किट बनाता है और इंटरनेशनल मार्केट में इस बिस्किट की जो है डिमांड काफी ज्यादा है। क्लियर, यस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है भाई? दो तीन फसलों को एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, फसल की अदला बदली या इनमें से कोई नहीं, स्टॉक फार्मिंग। तो आपको बताएं स्टॉक फार्मिंग का मतलब है पशुओं का प्रजनन करना। फरेंगे कृषि के साथ साथ पशुपालन अगर ये किया जाए तो ये कहलाती है मिश्रित कृषि। मतलब पशुपालन भी कृषि का एक अंग है। अगर स्टॉक फार्मिंग की बात की जाए तो वो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है। लीजिए आ गया खतरनाक सवाल। यह सवाल कह रहा है कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर क्षेत्र है या कृषि का जो एरिया है उसमें, भाई कृषि का ही क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत ही पशुपालन भी आता है, तो किस राज्य में पशुओं का घनत्व सबसे ज्यादा है? किस राज्य में पशुओं का घनत्व सबसे ज्यादा है? और बात उस राज्य की हो रही जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्लियर, एग्रीकल्चर सेक्टर वाले किस राज्य में मवेशियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिहार वो कुल मवेशियों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर एक है, टोटल मवेशियों की संख्या में वो यूपी नंबर एक पर है, लेकिन घनत्व की अगर बात करें तो घनत्व में बिहार नंबर एक पर है, क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल यूपी की तुलना में काफी कम है, जबकि मवेशियों की संख्या वहां है पर्याप्त मात्रा में। सबसे ज्यादा तो यूपी में है लेकिन वहां भी पर्याप्त मात्रा में है। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हैं। याद रहे इसमें, यहां पशुओं का घनत्व पूछा गया है, पशुओं की संख्या नहीं। पशुओं की संख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर एक है और भारत में यूपी नंबर एक है। क्लियर, यहां तमाम प्रकार के आवारा पशु भी पाए जाते हैं, सारे दुधारू नहीं है, याद रहे, ठीक। आगे अगले सवाल पे आते हैं। भारत की लगभग एक तिहाई गाय और बैलों की संख्या तीन राज्यों में पाई जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, पहले हिंदी वर्जन पढ़ लीजिए और उसके बाद अंग्रेजी में बातचीत करेंगे। पहले हिंदी देख लेते हैं, हिंदी के साथ अंग्रेजी का क्वेश्चन भी लगा देते हैं, तो उत्तर तो हिंदी में आप पढ़ ही लेंगे। यस, ये है
कि भारत की लगभग एक तिहाई गाय और बैल, ठीक, पशुधन की संख्या तीन राज्यों में पाई जाती है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। तो आपको मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश दो विकल्प में गायब है, तो पहले उन दोनों विकल्पों को आप भी प्रश्न से गायब ही कर दीजिए, इन दोनों को ले डूबिए। अब आपकी गाड़ी फंसी, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में अगर आप विकल्प देखें तो ये विकल्प ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि बिहार में घन तो ज्यादा जरूर है, बट बिहार झारखंड से अलग होने के बाद छोटा राज्य बन गया है, तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुल फसलों को जोड़ दिया जाए तो पूरे भारत की एक तिहाई संख्या लगभग हो जाती है, और वो भी बेसिकली गाय और बैलों की प्रजाति में। अगर भैंस को इसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो बिहार ऐड करना पड़ेगा, बिहार में भैंसिया ज्यादा है। क्लियर? तो राइट आंसर आपका क्या होगा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। टोटल गाय बैल के नस्लों के मामले में ये जो है एक तिहाई योगदान देते हैं। चलिए आ जाइए बकरियों पर भी चलते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन है? चलिए बारकरी, जमुनापारी, काली बंगाली या बीतल। चलिए भाई आंसर कौन देगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। और आपकी ये बारकरी, जमुनापारी, काली बंगाली और बीतल की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा दूध देने वाली, बाल देने वाली नहीं, याद रहे, दूध देने वाली बकरियों की बात हो रही है। तो भारत में अगर देखा जाए तो प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर दूध देने की क्षमता जमुनापारी बकरी में पाई जाती है। कितनी? 2.5 से 3 लीटर दूध देने की क्षमता जमुनापारी नस्ल की बकरी में पाई जाती है, याद रहे। और जमुनापारी की स्थिति आपके पश्चिमी भारत में ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब राजस्थान के एरिया में यह बकरी ज्यादा पाई जाती है। ओके आगे चले। जी हां, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा, थारपरकर प्रजाति कहां पाई जाती है? थारपरकर प्रजाति, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही हो गया कि थारपरकर प्रजाति है क्या। तो ये राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्ल है। क्या है? थारपरकर प्रजाति की गायें पाई जाती हैं। गाय, लो मैंने आंसर भी बता दिया, राजस्थान में पाई जाने वाली ये गायें हैं। तो राजस्थान के सीमावर्ती, सीमावृत्ति नहीं, सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली गायें हैं ये। बेसिकली आप देखें तो यहां पर थारपरकर, राठी, ककरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी और मालवी, ये इतनी प्रजाति की गायें पाई जाती हैं, और मेवाती गाय भी यहां पाई जाती है। थारपरकर प्रजाति ये जैसलमेर, मतलब पाकिस्तान का जो लगा हुआ एरिया है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस एरिया में ज्यादा पाई जाती है, मतलब पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र में। तो अगर भारत के अतिरिक्त पूछ दे तो उत्तर होगा पाकिस्तान। ठीक, तो पाकिस्तान और राजस्थान का जो सीमावर्ती एरिया है वो लगभग एक जैसा माहौल का है, इसीलिए वहां पर इस प्रजाति के जानवर, थारपरकर प्रजाति की गायें ज्यादा पाई जाती है। ओके आते हैं हम लोग अपने आगे के सवाल पर। जी हां, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है भाई, गंगातीरी, हरियाणवी, साहीवाल या थारपरकर? तो थारपरकर पाई जाती है राजस्थान में लेकिन दूध ज्यादा नहीं देती, याद रहे। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से आप देखें तो भारत जो है इस समय अमेरिका को पीछे ढकेल चुका है। पहले अमेरिका नंबर एक पर था लेकिन भारत धीरे धीरे उसे पीछे ढकेल चुका है। और उत्तर प्रदेश अगर पूरे भारत में देखें तो नंबर एक पर है। लेकिन अब आते हैं गायों की, तो गायों के मामले में साहीवाल गाय भारत में सबसे अधिक दूध देने के जो है कैपेबल है। साहीवाल का दूध काफी गाढ़ा भी होता है, मतलब ये भैंस के बराबर दूध देती है और भैंस की इसमें फैट भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अच्छा और सबसे अधिक दूध देने के मामले में भारत की साहीवाल गाय काफी फेमस है। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, अगर प्रश्न पुराना हो है तो सेकंड होगा, लेकिन आज की डेट का आंकड़ा अगर देखें तो भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर आ चुका है। क्लियर? तो फर्स्ट रैंक पे है और सेकंड नंबर पे आ गया है अमेरिका। चीन अभी भी पीछे है अमेरिका से। क्लियर? क्योंकि अमेरिका की स्थिति इसलिए बेहतर है, अमेरिका में जो पशुओं की नस्ल है वो काफी बेहतर है। हमारे यहां तो जो आदमी खाते हैं वो वहां गायें खाती हैं। आगे चलते हैं मुद्दे की बात पर।
अगला और ये रहा इस सेशन का आखिरी सवाल। ये क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़, फ्लड का मतलब तो बाढ़ भी होता है, लेकिन ये दूध की बाढ़ है। किसकी बाढ़ है? दूध की बाढ़ है। तो ये दूध के उत्पादन और वितरण से है। भारत में ऑपरेशन फ्लड चलाने का जो श्रेय है वो किसको है? वो प्राप्त है वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को। और वर्गीज कुरियन साहब ने इसकी शुरुआत की है खेड़ा जिले से। और खेड़ा आपको पता है ये गुजरात में है। गुजरात के खेड़ा जिले में एक स्थान था जिसका नाम है आनंद। आज भी इसका नाम आनंद ही है। यहां पर एक दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सहकारी डेयरी प्रोग्राम क्या चलाया गया? कोऑपरेटिव डेयरी, जिसे आप हिंदी में कहेंगे सहकारी डेयरी प्रोग्राम। यह सहकारी डेयरी प्रोग्राम चला और यह जो है आज करंट टाइम में अमूल नाम से जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी के रूप में फेमस है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका 120 नंबर का आखिरी सवाल। और मैं, जैसा कि मैंने वादा किया था कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे सवाल मैं ले आऊंगा। और काफी मशक्कत के बाद ये 120 सवाल कैलकुलेट हुए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। इसमें एक भी सवाल को स्लिप करने की कोशिश मत करिएगा, अन्यथा उसका नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत से सवाल ऐसे हैं जो थोड़े से टफ है। तो आपको लग रहा होगा कि नो डाउट ये सवाल अनरेलेवेंट है, तो बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अब कंपटीशन धीरे धीरे नए रुख की तरफ जा रहा है। तो कंपटीशन को देखते हुए क्वेश्चन क्रैक किए गए हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये वीडियो आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपकी समझ में ना आए तब तक देखते रहिए, और एक एक सवालों को अपने यहां पर बिठा लीजिए, क्योंकि इसके जीतने से आपकी जीत होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड री अगेन, गुड नाइट।